नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा था, पहला वीडियो हमने इन्फ्लेशन फर्स्ट पार्ट डाला था, उसके बारे में बताया था इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड करी गई थी। आज ये जो वीडियो बनना है आपका, आज ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपका इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बनना है, या फिर आपको जानकारी दी जा रही है कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेशन की वजह से आते हैं, जो कि इन्फ्लेशन जो है हमारा सोसाइटी के लोगों को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक फिक्स इनकम ग्रुप होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है जिसकी इनकम घटती बढ़ती रहती है, और जो कि इनकम जिसकी घटती रहती है और बढ़ती रहती है वो फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप में आते हैं, और जिनकी इनकम फिक्स्ड होती है वो आपके फिक्स इनकम ग्रुप में आते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है ये दोनों पे अलग अलग पड़ता है, दोनों पे जो इनका इफेक्ट होगा ये एडवर्स अलग अलग पड़ेगा, किस तरह से किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पूरे वीडियो में हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे। अगर आपको किसी भी तरह से कोई क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक पेज पे हमसे पूछ सकते हैं, आपको एडिक्वेट जानकारी दी जाएगी, आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा जो भी वीडियो आता है वो आपको टाइमली प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और जो है एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात आती है इन्फ्लेशन के इफेक्ट की, तो इसके तीन इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का, दूसरा होता है इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन का, और अदर इफेक्ट्स। पहले हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बात यह होती है कि इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन या इनकम का जो बंटवारा होता है वो कैसे होता है, डिपेंड करता है इन्फ्लेशन इस पर। अगर सपोज करिए कि जो सैलरीड क्लास होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको एक फिक्स सैलरी मिलती है, एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, एक फिक्स डिविडेंड मिलता है या एक फिक्स प्रॉफिट मिलता है, तो इन्फ्लेशन में उसे नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि पैसे की वैल्यू गिरती है और उन्हें कमोडिटी की वैल्यू बढ़ती है, उन्हें एक फिक्स सैलरी मिलती है और फिक्स पैसा मिलता है, तो उनको जो उसकी परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस होकर मिलती है। लेकिन अगर आपकी सैलरी फ्लक्चुएट होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सैलरी एडजस्ट होती जाती है, तो जो फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप होते हैं उनको इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उनको इससे ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी एडजस्ट होती जाती है, और सैलरी या उनकी इनकम एडजस्ट होती चली जाती है। जब उनकी इनकम अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाती है तो उनको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट आप देखते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आपका डेटर्स और क्रेडिटर्स का मतलब होता है, अगर एक लिहाज से, अगर मैं बिजनेसमैन के लिहाज से देखता हूँ, तो डेटर्स मेरे लिए वो हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स मेरे लिए वो हैं वो जिनको मुझे पैसा देना होता है। तो ड्यूरिंग जो इन्फ्लेशन का टाइम होता है उस समय जो होता है आपका डेटर्स गेन करता है और क्रेडिटर्स जो होता है वो लॉस करता है। डेटर्स का मतलब है जिनसे हमें पैसा लेना है, तो पैसा लेना है तो जब मैंने उन्हें दिया था तो उसकी परचेजिंग पावर या पैसा कम दिया था, इसके बाद जब उनसे लूँगा तो परचेजिंग पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी और पैसा मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लॉस करते हैं क्योंकि उन्होंने जब पैसा मिलता है तब उसकी परचेजिंग पावर कम होती है, उसके बाद परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से उनको नुकसान होता है। नेक्स्ट आता है सैलरीड पर्सन। अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि फिक्स सैलरी पाता है, जैसे कि आपका वर्कर जो भी काम करते हैं, जैसे कि आपका क्लर्क हुआ, टीचर हुआ, अदर पर्सन हुए, जो कि इन्फ्लेशन के टाइम जिनको नुकसान होता है क्योंकि प्राइस राइज करता है, कमोडिटीज़ के प्राइस राइज करते हैं, उनकी फिक्स सैलरी होती है, तो अगर उनकी फिक्स सैलरी होती है उस वजह से उनका परचेजिंग पावर इरोड हो जाता है, परचेजिंग पावर उनका कम हो जाता है, और जब उनका परचेजिंग पावर कम हो जाता है तो उनकी परचेज करने की कैपेसिटी कमज़ोर पड़ जाती है। परचेज़ करने की कैपेसिटी जब कमज़ोर पड़ जाती है तो वो कम परचेज़ करते हैं, या आप ये कह सकते हैं उनकी परचेजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है। वेजेस अर्नर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? का वेज अर्नर में गेन एंड लॉस एंड डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द विच देयर वेजेस एज एस टू राइजिंग प्राइस। कहने का मतलब ये है कि वेज अर्नर्स पे इफेक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर वेजेस एडजस्टमेंट प्राइस राइजिंग। कहने का मतलब ये है कि उनकी वेजेस एडजस्टमेंट कैसे होता है, उनका यूनियन कितना स्ट्रांग है।
अगर उनका यूनियन स्ट्रांग है, अगर वो अच्छे से उनका यूनियन काम कर रहा है, तो उनकी जो सैलरी होगी तो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन वो एडजस्ट हो जाएगी। तो जिन व्यक्तियों की या जिन वेजेस अर्नर्स की सैलरी अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एडजस्ट होती रहती है, तो उन्हें इससे नुकसान नहीं होता है। और जिन व्यक्तियों का अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन उनकी सैलरी या उनका वेजेस एडजस्ट नहीं होता है, उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ता है, या आप ये कह सकते हैं कि उनकी परचेजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड इनकम ग्रुप। अब देखिए, फिक्स्ड इनकम ग्रुप का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनको एक फिक्स इनकम मिलता है, सपोज उनको पेंशन मिलता है या इंश्योरेंस से या सोशल सिक्योरिटी के थ्रू मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, रेंट मिलता है। पेंशन अगर उनको फिक्स मिलती है तो जाहिर सी बात है अगर प्राइस राइज हो रहा है तो इनकम तो उनकी उतनी ही रहेगी, लेकिन उनको स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा तो उनको नुकसान हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रेंट का या वो व्यक्ति रेंट से उसके इनकम आती है तो रेंट एक फिक्स रहेगा, और रेंट फिक्स होने की वजह से उसे फिक्स पैसा मिलेगा, और फिक्स पैसा मिलेगा लेकिन प्राइस राइज होगा, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा कमोडिटीज़ का राइज कर जाएगा लेकिन उसकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो उसको नुकसान होगा। अगर हम ये बात करते हैं, अगर कोई जैसे कि फिक्स एसेट्स होल्डर होता है या फिक्स इंटरेस्ट होल्डर होता है, जैसे कि आप डिबेंचर्स की बात करते हैं, डिबेंचर्स का मतलब होता है जब कोई कंपनी आपसे डिबेंचर या आप किसी कंपनी से डिबेंचर परचेज करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो है उस कंपनी को आपने लोन दिया है, और उस कंपनी को आपने लोन दिया है तो लोन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो एक फिक्स्ड मिलेगा, लेकिन प्राइस राइज होता रहेगा तो इंटरेस्ट आपका फिक्स रहेगा लेकिन प्राइस राइज बढ़ता रहेगा, प्राइस बढ़ता रहेगा। तो जब प्राइस बढ़ता रहेगा उससे नुकसान आपको ये होने वाला है कि आपकी परचेजिंग पावर जितनी थी उतनी ही है, लेकिन जो कमोडिटी पर्टिकुलर पहले जितने की मिलती थी उससे अब वो ज़्यादा की मिल रही है, तो आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर जो होगी वो आपकी कम हो जाएगी। और जब आपकी एक्चुअल परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो आपको जो सैलरी आप कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन होगा इससे आपको नुकसान होगा, या आप ये कह सकते हैं जो फिक्स इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं उनको इन्फ्लेशन से नुकसान होता है, प्राइस राइज से नुकसान होता है। आगे बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की और इन्वेस्टर्स की। अब देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब होता है ऐसे शेयर होल्डर्स जो किसी कंपनी में जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है, या जिसी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स का मतलब होता है किसी भी कंपनी में वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसका मतलब होता है यू आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो आप जब रियल ओनर हैं कंपनी के, तो जितना शेयर है आपका, तो शेयर जितना होगा उतना आपको उसका डिविडेंड मिलेगा, उतना आपको लाभांश मिलेगा। तो लाभांश जब मिलेगा तो ये डिपेंड करेगा अगर प्राइस राइज होता है या इकोनॉमी में जो है कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्सपेंड होती हैं। अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ कंपनी की एक्सपेंड होगी तो जाहिर सी बात होगा प्रॉफिट भी एक्सपेंड होगा। तो जब प्रॉफिट एक्सपेंड होगा तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट एक्सपेंड होने की वजह से आपका भी शेयर बढ़ेगा, तो आपका जब शेयर बढ़ेगा तो आपको भी डिविडेंड बढ़ के मिलेगा। जब आपको डिविडेंड बढ़ के मिलेगा तो आप ये कह सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको प्रॉफिट होता है, या फिर ये इन्फ्लेशन के टाइम गेन करते हैं, इन्हें इन्फ्लेशन के टाइम इनका प्रॉफिट होता है या इन्फ्लेशन इनके लिए अच्छा होता है, ये गेन करते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, जैसा कि पहले ही मैंने बताया था, जो लोग सिक्योरिटी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में लगाते हैं पैसा, उनको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, और जो फिक्स इंटरेस्ट जिनको मिलता है, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि जिनको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है उनकी परचेजिंग पावर इरोड होती है, और जो परचेजिंग पावर इरोड होती है या परचेजिंग पावर कम होती है उस वजह से होता ये है कि उनका नुकसान होता है, इन्फ्लेशन में वो नुकसान होता है उन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेसमैन पे इसका क्या इफेक्ट आता है, बिजनेसमैन को कैसे नुकसान या कैसे उसे फ़ायदा होता है। अगर इन्फ्लेशन आता है तो उस समय बिजनेस जो होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, जब प्राइस राइज होता है तो वो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करना ज़्यादा चाहते हैं, और जब प्राइस राइज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करके मार्केट में लाना चाहते हैं। तो जब वो मार्केट में लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन को जो है इन्फ्लेशन में प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा होता है, जैसे आप सबको पता होगा हमारे तीन सेक्टर होते हैं, पहला तो हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है, तीसरा टर्शियरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है।
हालांकि उसका जीडीपी में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी पॉपुलेशन है उसका लगभग 57% लोग एंगेज हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सबसे बड़ा अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है वो लगभग एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि 57% एंगेज होते हैं। वो एक्चुअली एंगेज नहीं होते हैं, क्योंकि आपको आगे जब बताएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे तो वहाँ एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो यहाँ पाया जाता है। खैर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला लैंडलॉर्ड होते हैं, पीजेंट होते हैं और वर्कर्स होते हैं। तो जब इन्फ्लेशन आता है तो लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं उनको नुकसान होता है। अब लैंडलॉर्ड्स का नुकसान कैसे होता है? लैंडलॉर्ड्स को नुकसान ऐसे होता है क्योंकि उन्हें एक फिक्स उस पर इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि अगर लैंड का रिवॉर्ड की हम बात करें तो उस पर लैंड के अगर रिवॉर्ड होता है तो लैंड जो हमें प्रोडक्शन मिलता है वो होता है। तो अगर आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है तो उस पर आपको लैंड का एक फिक्स मिलेगा, एक फिक्स उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आपने किसी को लैंड दिया है तो उसका एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता है, तो इसलिए जब इन्फ्लेशन होता है तो उसे फिक्स्ड मिलेगा, तो जाहिर सी बात होगी प्राइस जब राइज करेगा तो उसको नुकसान होगा। लेकिन अगर हम पीजेंट प्रोप्राइटर्स की बात करें जो प्रोडक्शन करते हैं उनको फ़ायदा होता है, वर्कर्स को इसमें फ़ायदा होता है। वर्कर्स को फ़ायदा इसलिए होता है कि वो कल्टीवेट करते हैं, और जब वो फार्म्स में कल्टीवेशन करते हैं तो फार्म्स में कल्टीवेशन करने की वजह से वो प्रॉफिट गेन करते हैं। प्राइस जो होता है वो जब राइज करेगा तो जाहिर सी बात होगी उनकी कमोडिटी मार्केट में पहुंचेगी, और कमोडिटी जब मार्केट में पहुंचेगी तो उन्हें प्रॉफिट गेन होगा या फिर उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। अगर प्राइस राइज होता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, जब प्राइस राइज होता है तो जाहिर सी बात होगी जब प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो हम ये देखते हैं जब प्राइस राइज होता है तो सप्लाई बढ़ता है, क्योंकि प्राइस राइज होता है तो हर एक प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर होता है मैक्सिमम मार्केट में पहुंचा के प्रॉफिट को, जो आपकी मार्केट है उसे कार्टर करना चाहता है, मार्केट से प्रॉफिट को गेन करना चाहता है। तो जाहिर सी बात होगी जब प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा प्राइस राइज में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहेगा। दूसरी बात होती है, ये भी होता है कि प्रोड्यूस वो ज़्यादा करता है, ये सोचता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में इसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इससे होता क्या है कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सॉरी जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो जनरेट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बढ़ जाता है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है। और ये पॉसिबल तभी होता है जब आपके यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। अगर दूसरी बात हम करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जो आपका सेवर इन्फ्लेशन होता है ये इकोनॉमी पे प्राइस राइज होने की वजह से जो है ये रिसोर्सेज जो होते हैं फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाते हैं, इसलिए जो प्रोडक्शन होता है जो प्रोडक्शन हमारा होता है वो इन्फ्लेशन जो होता है एडवर्सली इफेक्ट करता है आपके प्रोडक्शन को, और एम्प्लॉयमेंट इसमें फुल्ली जनरेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉल इन क्वालिटी। देखो, जब इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में चीज़ें उतारना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट में करना चाहते हैं। जब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी लाना चाहते हैं, तो क्वालिटी जो होती है वो डाउन हो जाती है। क्वालिटी जब डाउन हो जाती है तो इसका इफेक्ट ये होता है, क्वालिटी डाउन होने से इफेक्ट ये पड़ता है इकोनॉमी पे कि जो आपका कंज्यूमर होता है वो एक्सप्लॉइट होता है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एडल्टरेशन चालू हो जाता है, चीज़ों में मिलावट स्टार्ट कर दी जाती है, और जिस वजह से नुकसान आपके कंज्यूमर को होता है। दूसरी बात होती है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग का मतलब क्या होता है? होर्ड का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना या चीज़ों को रोक लेना, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी सप्लाई करना। अगर प्राइस राइज होता है तो कुछ कमोडिटी ऐसी होती हैं जिनको रख लिया जाता है, जिनको हम रोक लेते हैं उन्हें मार्केट में, उनकी सप्लाई को कर्व कर देते हैं। और जब मार्केट में सप्लाई को कर्व कर देते हैं तो होता ये है कि मार्केट में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बन जाती है, और जब उस पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है तो इससे हो ये जाता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिक राइज कर जाते हैं, और जब प्राइस राइज कर जाते हैं तो कंज्यूमर का एक्सप्लाइटेशन होता है। तो अगर हम ये बात करें तो जाहिर सी बात है जब इन्फ्लेशन आता है, जब प्राइस राइज होता है, तो वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की भी प्रॉब्लम सामने निकल कर हमारे आती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें रिडक्शन इन सेविंग, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो
सेविंग से ही होता है। सेविंग से कैसा होता है, हम अगर सेव करते हैं तो वो हमारा पैसा जो होता है ऐसे व्यक्ति को, नीडी को, बैंक प्रोवाइड करता है जो कि प्रोडक्शन या बाकी कामों में लगाता है। तो जब तक हम सेविंग नहीं करते हैं तब तक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर इन्फ्लेशन होता है, अगर इन्फ्लेशन प्राइस राइज होता है, तो हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और जब पैसा हमें ज़्यादा खर्च करने पड़ेगा तो जाहिर सी बात होगी हमारी सेविंग जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। जब हमारी सेविंग कमज़ोर हो जाएंगी या सेविंग कम हो जाएंगी, तो सेविंग कम होने की वजह से ही होगा कि हम कैपिटल या हम सेव नहीं कर पाएंगे, और जब हम सेव नहीं कर पाएंगे तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और जिससे ये होगा कि प्रोडक्शन जो हमारा होगा उस पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा, या वो एडवर्सली इफेक्ट होगा क्योंकि प्रोडक्शन की वजह, प्रोडक्ट जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्शन भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होना चाहिए। आगे इनक्रेज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन का मतलब होता है अपने फ्यूचर में आने वाली कुछ भी चीज़ों को एंटिसिपेट कर लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं, या फिर उसे उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। तो जब प्राइस राइज लगातार हो रहा होता है, जब प्राइस राइज बढ़ रहा होता है, तो प्राइस राइज होने की वजह से ये होता है कुछ लोग जो होते हैं वो चीज़ों में स्पेकुलेशन करते हैं कि फ्यूचर में आने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट दे पाएंगी, और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जिससे ये होता है कि जो आपका प्रोडक्शन होता है वो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, और जो कि हमारे कंज्यूमर को इफेक्ट करता है। अगली बात करते हैं अदर इफेक्ट्स में। अदर इफेक्ट का मतलब है कि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, ये एक अदर इस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है हमारा इम्पोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अगर वो हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होता है तो नेगेटिव चला जाता है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो हमारा पॉजिटिव चला जाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये हमारी इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन में जो हमारा हमारी कंट्री होती है उस पे एक्सपोर्ट पे जो होता है वो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और इम्पोर्ट जो होता है वो बढ़ जाते हैं। अगर इम्पोर्ट किसी कंट्री में बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात होती है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चला जाता है, और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चला जाता है तो कंट्री का अनफेवरेबल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो उसको नुकसान करता है, या उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू को डाउन करता है इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पर बात ये भी होती है कि ये डिपेंड करता है कि कंट्री में किस तरह की एक्सचेंज रेट पॉलिसी चल रही है। पहले जो आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी चलती थी, अब इस समय फ्लोटिंग चल रही है, आप ये कह सकते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल है। तो दोनों तरह की इसका इफेक्ट ये भी होता है कि अगर फिक्स्ड में होता है तो कुछ दूसरा इफेक्ट पड़ता है, और जो कि फ्लेक्सिबल होता है तो वो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है, लेकिन फिक्स में इसका जो इफेक्ट होता है वो अलग पड़ता है, या इससे नुकसान होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज रेट की। अगर इन्फ्लेशन होता है, प्राइस जो होते हैं वो लगातार रैपिडली राइज करते जाते हैं, उससे होता ये है कि जो होम कंट्री होती है उसका फॉरेन कंट्री में जो एक्सचेंज रेट होता है वो कम हो जाता है। मतलब अगर डॉलर और इंडियन करेंसी की बात करें, तो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन या महंगाई हो जाएगी, तो अगर उसकी वैल्यू $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज़ है, तो और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो 65+ पहुंच जाएगा। तो जब 65+ पहुंच जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी हो, इंडियन करेंसी की वैल्यू होगी वो डाउन हो जाएगी। तो जब इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो जाहिर सी बात होगी कि हमारे एक्सपोर्ट जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे, और इम्पोर्ट जो होगा वो डिस्करेज होगा, या आप ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो होगा वो आपका डिस्करेज होगा और इम्पोर्ट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और फिर वही आ जाएगा, जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी कंट्री में जनरेट हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कोलैप्स ऑफ अ मॉनिटरी सिस्टम। मॉनिटरी सिस्टम जैसे आपको सबको पता है, ये पूरी तरह से रेगुलेट किया जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री की सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो अब मॉनिटरी सिस्टम कोलैप्स कैसे कर जाएगा? कोलैप्स करने का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन एक रेट से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे आप हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन का हमने आप लोगों को बताया है, ये 1000% तक की वैल्यू में इंक्रीज आता है पर ईयर। तो अगर 1000% किसी पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू में इंक्रीज आता है, माना आज एक कोई चीज़ 1 रुपये की है और अगले साल आपको 1001 रुपये की मिलती है, तो कैसा महसूस होगा?
मॉनिटरी सिस्टम जाहिर सी बात होगी उस कंट्री का क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा या कलेप्स हो जाएगा। और ये एक्सपीरियंस भी किया था जर्मनी ने, जबकि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1918 के करीब, उस समय जर्मनी में ये इस तरह की क्राइसिस आई हुई थी, इस तरह की दिक्कतें जर्मनी ने फेस करी हुई थी। ये आज का वीडियो था, ये इन्फ्लेशन पे उसका इफेक्ट था किस तरह से, आपको कैसा लगा, क्या है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब पे आप हमें बता सकते हैं या फिर आप हमारा FB पेज शिक्षा फाउंडेशन से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं और हमारे में जो भी आपको कमियाँ लगती हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ अभी सुधार की ज़रूरत है या फिर जो अच्छा है तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और हमें उसके बारे में सुझाव भी दे सकते हैं। आप सबका स्वागत है, आप ज़रूर जो है हमें अपने सजेशंस प्रोवाइड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।